हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमन परमार फ्रॉम बीपॉइंट वीजा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज के इस Q&A सेशन में आप सभी का स्वागत है। आपकी तरफ से जो भी मैसेज, जो भी कमेंट्स आते हैं हमारी Q&A सेशन की वीडियो में, हम कोशिश करते हैं उसका आंसर देने की। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, फिर चाहे वो स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा, स्पाउस वीजा या कैनेडा, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री के रिलेटेड है, तो आप हमारी किसी भी वीडियो के नीचे आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट Q&A सेशन में आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ अपनी फाइल प्रोसेस करना चाहते हैं, मुझे मिलना चाहते हैं या हमारी टीम से मिलना चाहते हैं, तो हमारे दोनों ऑफिस बठिंडा अबोहर आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमें मिल सकते हैं। अगर आप नहीं विजिट करना चाहते, ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड जो भी बेस्ट ऑप्शंस होंगी वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आज इस Q&A सेशन की जो वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसके बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है टफल पटेल जी का। सर, मेरा लिसनिंग 5, रीडिंग 5.5, राइटिंग 6.5 और स्पीकिंग 5 में क्या मेरा UK का हो सकता है या नहीं? टफल पटेल जी, जो भी बच्चों के जो माइंड में चल रहा है कि UK में क्या आपको मिनिमम स्कोर चाहिए, तो 5.5 ईच चाहिए, यानी कि इससे नीचे 5 का स्कोर वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। 5.5 पे भी आपको 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स लेना पड़ेगा, यानी कि 1 ईयर आपको एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ेगी और उसके बाद 3 साल की बैचलर डिग्री। तो उससे बेटर है कि आप जो फाउंडेशन कोर्स की इतनी फीस पे करने से अच्छा है कि आप यहीं पर थोड़ा सा और एफर्ट करें और अपने जो IELTS के स्कोर को ओवरऑल 6.1 में 5.5 के साथ आप UK को लगा सकते हैं। UK में बहुत अच्छा अभी सक्सेस रेट है, कोई भी प्रॉब्लम वहां पर नहीं है, मगर इस पे आप लगाएंगे तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ेगी। दमनजीत सिंह, सर 10th का अकेडमिक का कोई असर वीज़ा पे पड़ता है? मेरा 10th में 60%, 12th में 79%। दमनजीत जी, जो आपके 10th के स्कोर हैं वो 100% उसका इम्पैक्ट आपके वीज़ा पर पड़ता है, मगर आपके 60% हैं तो उसका कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप 12th में देखिए, आपके पास सब्जेक्ट अगर अच्छे हैं और IELTS में आप अगर 6.5 नॉट लेस देन 6 लेते हैं तो बहुत अच्छा है। मिनिमम 6 ईच अगर आपके आ जाते हैं तो आप अपनी कैनेडा की फाइल प्रोसेस कर सकते हैं। पार्थ मिस्त्री, 23rd February फाइल लॉ स्टडी वीज़ा SDS बट हैव नॉट रिसीव्ड माई PPR जेट। पार्थ मिस्त्री जी, जहाँ और भी बहुत सारे बच्चे जो अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, 23rd February के फाइल की बात हो रही है, अभी तक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सभी मंथ के कुछ ना कुछ रिजल्ट पेंडिंग है। मीनिंग कैनेडा का जो सिस्टम है रिजल्ट देने का, वो ऐसा नहीं है कि पहले नवंबर मंथ की पूरी फाइल्स कंप्लीट करेगा, उसके बाद दिसंबर की पूरी कंप्लीट करेगा, फिर जैन, फिर फेब। ऐसे ही वो क्या करते हैं कि नवंबर के भी अभी रिजल्ट पेंडिंग है, दिसंबर के बच्चों के भी कॉल आ रहे हैं, जनवरी के बच्चों का भी आ रहा है, फेब का भी आ रहा है, मार्च का रिजल्ट भी आ रहा है, तो सभी मंथ के रिजल्ट आ रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको साथ साथ अप्रैल और मई के रिजल्ट भी आते हुए दिखाई देंगे। जिन बच्चों को रिफ्यूज़ करना है वहाँ पर, उन बच्चों के लिए 5-10 दिन में, 15 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं, मगर जिनकी फाइल प्रोसेसिंग में जाती है, यानी कि वीज़ा ऑफिसर के पास जाती है, वहाँ पर थोड़ा सा समय लग रहा है, तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी पार्थ मिस्त्री जी हमें देखने को मिलेगा। वरिंदर शर्मा जी, हाय सर, मेरा मेडिकल दैट 7 June 2020 को मुझे कॉल आई कि 3rd दिन उनकी भी आपके ब्लड में इन्फेक्शन है, उन्होंने इंजेक्शन दिए 3 मुझे और बोला 3 वीक लगेंगे। ये भी बोला था सर उन्होंने कि क्या मैं नॉर्मल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्या करूँ मैं, मेरा मेडिकल क्लियर होगा जी, सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना है मैंने। वरिंदर शर्मा जी, आप अपना मेडिकल पहले करवा के चेक करवा लीजिए, अगर आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट है तभी आप सितंबर के लिए भी जाइए, क्योंकि 30 जून के बाद अगर आप फाइल लगाएंगे सितंबर के लिए तो जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे आपके रिजल्ट आने के, फिर आपको डेफर लेना पड़ सकता है। इसलिए पहले आप बाहर अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उसका टेस्ट करवा लीजिए, क्या वो अभी उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, अगर नेगेटिव आएगी तभी आप अपने पैनल फिजिशियन के पास जाकर दोबारा से अपना मेडिकल करवाएं और फिर डिसीजन ले कि आपको अपनी फाइल सितंबर के लिए लगानी चाहिए या नहीं। हरप्रीत सिंह, हेलो सर, आई हैव लॉन्च माई फाइल 14th June इन SDS कैटेगरी, माई क्लासेस स्टार्ट इन October 2022, वेन कैन आई गेट माई रिजल्ट? जो अक्टूबर के बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सितंबर में जो मैक्सिमम रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे, और अक्टूबर के जो बच्चे हैं जिनकी क्लासेस अक्टूबर में स्टार्ट होंगी, अगर वो 14 June या June 30 तक भी अपनी फाइल लगाते हैं तो उनके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उनको रिजल्ट आ जाएगा, मगर फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा अगस्त एंड तक का, आप मानकर चलिए जब सितंबर मंथ में आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। रोहित गुलाटी जी, कॉमर्स स्टूडेंट कैन चूज हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट
रोहित जी 100% आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, रेलेवेंट कोर्स है। कॉमर्स के बच्चे बीबीए में भी कॉमर्स के बच्चे हैं जो, वो अपना हॉस्पिटलिटी का कोर्स ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एनिमेशन क्रिएचर, सर आई एम फ्रॉम बांग्लादेश एंड आई हैव लॉस्ट माई फाइल एट 6 फेब एंड गिवन माई बायोमेट्रिक एट 10 फेब, व्हेन विल आई गेट माई आंसर प्लीज़ रिप्लाई। बांग्लादेश से अगर आपने 6 फेब को फाइल लगाई है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय आपको लगेगा, विद इन वीक या विद इन 15 डेज आपका रिजल्ट आपको मिल जाना चाहिए। मिल्की वे, हेलो सर, फॉर एसओपी एडमिशन के टाइम पे जो एसओपी सबमिट किया था वही हम यूज़ कर सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए? मिल्की वे, आप देखिए कि आपने एसओपी में उस समय क्या लगाया था, वो आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को सबमिट किया था। अभी जो अपने एम्बेसी में एसओपी लगाना चाहते हैं, अगर वहाँ पर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने सारे जो पॉइंट्स हैं वो पहले ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, उसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, तो आप सेम भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। गुरदीप गिल जी, सर अगर कॉलेज क्लोज एंड टेक हो गया है और ऑफ़र लेटर अप्लाई करी हो तो चांस है क्या ऑफ़र लेटर आने का? गुरदीप गिल जी, देखिए कोई भी बच्चे का ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमने ऑफ़र लेटर अप्लाई किया है और उसके बाद अप्लाई करने के बाद कॉलेज क्लोज हो चुका है, उसके बाद क्या चांस है ऑफ़र लेटर आने के या नहीं? 100% चांस है, जब आपने अप्लाई किया उस समय कॉलेज ओपन था, आपने अपनी एप्लीकेशन डाल दी, कॉलेज के पास अभी इनफ एप्लीकेशन आ चुकी है, अभी उन्होंने अपना कोर्स है जो वो क्लोज़ कर दिया है अभी। मगर एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका अगर ऑफ़र लेटर वेटिंग लिस्ट में चला जाता है तो वो टाइम बहुत ज़्यादा ले सकता है, यानी कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ तक का भी समय ले सकता है, डिले आपका हो सकता है। मगर ऐसा है कि आपके चांसेस पूरे हैं, या तो आपको कॉलेज रिप्लाई करेगा या रिजेक्ट करेगा, एक चीज़ करेगा। जिग्नेश मोदी जी, माई सन स्टडी वीज़ा फाइल लॉज 16 मई 2022, बायोमेट्रिक 20 मई एंड मेडिकल 2 मई, बायोमेट्रिक अपडेट बट मेडिकल नॉट अपडेटेड जेट, वीज़ा कब आएगा? सितंबर इनटेक है, मेडिकल अपडेट नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं? जो बच्चों का मेडिकल अभी तक अपडेट नहीं हुआ, जिनको 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, जैसे इनका मेडिकल हुआ था 2 को, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एक वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं एम्बेसी को कि मेरा मेडिकल अभी तक अपडेट नहीं हुआ। मगर एक से ज़्यादा वेब फॉर्म आपको रेज करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ जब भी आपकी फ़ाइल प्रोसेसिंग में आएगी, फिर चाहे आपका मेडिकल अपडेट ना हुआ हो, 2 मंथ हो गए हों, जैसे ही आपकी फ़ाइल प्रोसेसिंग में आएगी तो वीज़ा ऑफिसर अगर मेडिकल अपडेट नहीं होता तो वो खुद करवा लेते हैं, और जैसे ही मेडिकल अपडेट होगा उसके बाद तो ऑटोमेटिक आपकी फ़ाइल है वो रिव्यू में चली जाएगी और आपका रिजल्ट विद इन 15 to 30 days में आ जाएगा। रमन, रिस्पेक्टेड सर, आई लॉस्ट माई फाइल 11th of Feb फॉर सितंबर इनटेक, रिव्यू इज नॉट जेट, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट माई रिजल्ट? इट्स ऑलरेडी मोर देन द टाइमलाइन। रमन जी, जो टाइमलाइन की हम बात कर रहे हैं, कनाडा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी वेट कर रहे हैं जिनकी फाइल नवंबर में लगी थी, जिनको अभी कम से कम 7 to 8 months हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फाइल दिसंबर में लगाई थी, जैन में लगाई थी, फेब में लगाई थी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। कनाडा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो किसी भी टाइमलाइन को फॉलो नहीं करते। अगर हम उनके प्रोसेसिंग टाइम को देखें तो 11 weeks का टाइम आ रहा है, मगर जहां पर बच्चों को बहुत ज़्यादा समय हो चुका है फिर भी उनकी फ़ाइल प्रोसेसिंग में है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको 11 weeks से पहले ही रिजल्ट आ जाता है, तो कनाडा का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर भी आप वेट करिए, मुझे उम्मीद है कि जो फेब के बच्चे हैं उनको जल्दी ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। फार्मिंग बीस सर, आई लॉन्च माई फाइल ऑन 23rd May फॉर कैनेडा वीज़ा, आई गॉट 82% इन 12th इन 2020 एंड 7 bands विद मोर देन 6 इन ईच मॉड्यूल, वट आर द चांसेस ऑफ वीज़ा? 100% फार्मिंग बीस, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, 82% इन 2020, 1, 7 bands, नॉट लेस देन 6, और 23rd को आपने फाइल लॉन्च की है, आपका रिजल्ट भी मुझे उम्मीद है कि जुलाई एंड तक या अगस्त में आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो 100% आपके चांसेस हैं कि आपको वीज़ा आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हमारी कोशिश होती है कि जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी मैसेज आपकी तरफ से आते हैं उनका आंसर हम जल्दी से जल्दी करें। कोई भी बच्चा अगर हमारे साथ अपनी फ़ाइल प्रोसेस करना चाहता है तो हमारे बठिंडा और अबोहर
दोनों ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेकर हमारे साथ मेरे साथ मिल सकता है, मेरी टीम के साथ मिल सकता है, अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकता है। कोई भी प्रोसेसिंग फीस हम स्टूडेंट वीज़ा से नहीं लेते, यानी कि स्टूडेंट वीज़ा की प्रोफाइल हम फ्री प्रोसेस करके देते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, आप विज़िट नहीं कर सकते, आप इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं, तो आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, आपको सिंगल विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, फिर चाहे आपने फाइल लॉन्च कर दी है, चाहे आप लॉन्च करने वाले हैं, चाहे आप जानना चाहते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो आप हमारी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट Q&A सेशन की जो वीडियो आएगी उसमें आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आपसे लास्ट में एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।